मैं की बात करूँ टुटको के, तो गाइस आपका मुझे स्वागत है। तो गाइस आज मैं अपने बेटर वीडियो लगाया हूँ पैसे फिर से। तो गाइस उस वीडियो का नाम है, तो गाइस यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप में या पीसी में, गाइस अभी आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी आपको लैपटॉप में पिस्टो पीसी में ऑलरेडी आप विंडोज 10 या विंडोज 8 इंस्टॉल करते हो तो गाइस ऑलरेडी वो इंस्टॉल हो जाता है। या फिर आप विंडोज एक्सपी या फिर 7 इंस्टॉल करते हो, जैसे आप विंडोज अपना लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल करते हो गाइस, या फिर आपके लैपटॉप में या पीसी में होता है गाइस विंडोज इंस्टॉल ऑलरेडी, तो उसमें आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू वो इंस्टॉल ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे लैपटॉप में विंडोज जब भी इंस्टॉल करते हैं तभी। तो गाइस अभी जैसे आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी का सिंबल है। तो गाइस इस सॉफ्टवेयर को आप अपने लैपटॉप में या पीसी में नहीं आया है, यानी कि आपको फिर से इसका अपडेट वर्जन चाहिए या फिर आपको इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है गाइस, तो वो आपको सीखना है, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं गाइस उसे नया वीडियो। तो गाइस इसको डाउनलोड कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी सॉफ्टवेयर को, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे गाइस तो यहाँ पे आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी। तो जैसे गाइस आप माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड टाइप करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में रख दो गाइस, तो वहाँ पे जाके सिंपली इस वेबसाइट के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी गाइस देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टार्ट करना है या फिर आपको डाउनलोड करना है। तो गाइस मेरे को तो अभी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को ईडीजी को डाउनलोड करना है। तो गाइस अभी जैसे तो आपके सामने यहाँ पे विंडोज का वर्जन अवेलेबल है, यहाँ पे मैकओएस का वर्जन अवेलेबल है गाइस, यहाँ पे आईओएस मोबाइल आता है गाइस आईओएस का एप्पल का, उसका भी वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे एंड्रॉइड का भी वर्जन अवेलेबल है। तो गाइस आपको एंड्रॉइड का वर्जन चाहिए तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, मैकओएस का चाहिए तो यहाँ पे एप्पल स्टोर के टूट की मदद से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैक ओएस का वर्जन चाहिए तो यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है, यहाँ पे आपको विंडोज का वर्जन चाहिए तो यहाँ पे सिंपली प्रेस कर देना। तो गाइस अब देखते हो आपके सामने यहाँ पे सिंबल्स आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको कौन से विंडोज का वर्जन आपको डाउनलोड करना है, तो गाइस मेरे को तो विंडोज 10 का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे सिंपली मेरे को डाउनलोड पर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आप देखते हो आपके सामने यहाँ पे एग्रीमेंट आपको दी जाएगी, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना, यहाँ पे क्लोज कर देना। जैसे अभी यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देखते हो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को इजी वे में अपने लैपटॉप में या पीसी में डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप सब हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आया होगा, तो गाइस लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब ना कर दो। मैं और दोस्तों को जैसे नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हर रोज आपको हमारे नए नए वीडियो की आपको नोटिस मिलती रहे। तो गाइस मैं बताऊँ इसके नए नए स्टूडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।